कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोविंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री राधा विजय गोविंद की जय ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। गोविंद धाम में तुम गोविंद धाम निलजी में आने का सुअवसर अनेक वर्षों के बाद मुझे प्राप्त हुआ। आप सबका संग प्राप्त करने का इच्छुक तो मैं था बहुत समय से, परंतु राधा गोविंद देव ने अवसर नहीं प्रदान किया मुझे इस सौभाग्य के लिए। आज आप सबके बीच में फिर से मैं आया हूं, इसलिए मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और जब भी यहां मंदिर में आता हूं, ये सुंदर मंदिर देख के, सुंदर विग्रहों को देख के और आप सबकी भक्ति को देख के थोड़ी प्रेरणा मिलती है मुझे भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और प्रसंग भी इतना सुंदर यहां चल रहा है, गोवर्धन गोवर्धन लीला, तो इसकी चर्चा आज जारी रखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य
नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दसवा स्कंध 25वां अध्याय। कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। श्लोक संख्या 20। अथ आह भगवान गोपान हे अम्ब तात व्रज ओकसह यथा उपजोषम विशत गिरी गर्तम स गोधनाः अथाह भगवान गोपान हेम्ब तात व्रजौकसः यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम स गोधनाः धनाः। विसर्ग। अच्छा। अथाह भगवान गोपान हेम्ब तात व्रजौकसः यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम स गोधनाः अथाह भगवान गोपान हेम्ब तात व्रजौकसः यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम स गोधनाः। अथ तत्पश्चात आह बोले भगवान भगवान गोपान गोपों से हे अरे अम्ब माता तात हे पिता व्रज ओकसह अरे व्रजवासियों यथा उपजोषम जैसे तुम्हें रुचे विशत प्रवेश करो गिरि इस पर्वत के गर्तम नीचे की खाली जगह में स गो धनाः अपनी गौवों समेत। अनुवाद और तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी का नहीं है। अध्याय 25वां नहीं है, प्रभुपाद जी का नहीं, उनके शिष्यों का है, जो भी है। अनुवाद। तत्पश्चात भगवान ने गोप समुदाय को संबोधित किया। हे माता हे पिता हे व्रजवासियों, यदि इच्छा हो तो अपनी गवों समेत तुम अब इस पर्वत के नीचे आ सकते हो। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में यह अंतर्दृष्टि प्रदान की है। सामान्यतया विशाल गौ समुदाय जिसमें हजारों गौवें बछड़े सांड आदि थे,
गोवर्धन जैसे मध्यम आकार वाले पर्वत के नीचे नहीं आ सकता था, किंतु भगवान के हाथों का स्पर्श पाकर इस पर्वत ने हर्षातिरेक के कारण अचिंत्य शक्ति प्राप्त कर ली और क्रुद्ध इंद्र द्वारा किए गए हजारों वज्र के आघातों को कोमल सुगंधित फूलों की भेंट जैसा अनुभव किया। कभी कभी तो गोवर्धन को ऐसा लगता था कि वज्र का आघात हो भी रहा है या नहीं। हरिवंश से स्वयं श्री कृष्ण के वचनों को भी आचार्य ने उद्धृत किया है, त्रैलोक्यम अप्युत्साहते रक्षितुम किम पुनर्वज्रम पुनर्व्रजम। यह गोवर्धन पर्वत तीनों लोकों को शरण दे सकता है, केवल व्रजभूमि की तो बात ही क्या। जब इंद्र का आक्रमण शुरू हुआ और कृष्ण ने पर्वत उठा लिया तो पर्वत के बगल में खड़े मृग, जंगली सुअर तथा अन्य पशु एवं पक्षी गण पर्वत की चोटी पर चढ़ गए और उन्हें तनिक भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। अनुवाद को दोहराइए। तत्पश्चात भगवान ने गोप समुदाय को संबोधित किया। हे माता, हे पिता, हे व्रजवासियों, यदि इच्छा हो तो अपनी गवों समेत तुम अब इस पर्वत के नीचे आ सकते हो। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयः तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वरकेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं
तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री गिरि गोवर्धन की जय। कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण, इस सुंदर लीला की चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है। भगवान की लीलाएं अति मधुर हैं और वृंदावन की लीलाएं और भी मधुर हैं, और उनकी वृंदावन की लीलाओं में से ये गोवर्धन धारण लीला और भी प्रसिद्ध है, भक्तों के लिए बहुत प्रिय लीला है, जिसके बारे में जितना भी हम चर्चा क्यों न करें हम ऊब नहीं जाते हैं। वैसे भी श्री कृष्ण की लीलाएं नित्य नवनवायमान हैं, अर्थात हमेशा ताजी लगते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि अरे ये घिसे पिटे से लग रहे हैं बार बार उन्हीं चीजों को सुनना, ऐसे नहीं लगता है। और विशेष करके जब हम हमारे आचार्यों की टीकाओं को सुनते हैं और अलग अलग दृष्टिकोण से उन्हीं लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये लीलाएं जो पहले से ही रसमय होती हैं और भी रसमय लगने लगती हैं। मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका, निगम गल कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तो ये श्रीमद् भागवत की लीलाएं वैसे भी बहुत ही रसमय होती हैं, परंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य के मुखारविंद से सुनने से इनका स्वाद और भी मीठा हो जाता है। तो गोवर्धन लीला के प्रसंग में कल 19वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, और ये 19वां श्लोक प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्युक्त वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया विष्णुश्छत्राकम इव बालकः। इति उक्त्वैकेन, इति उक्त्वा ऐसे बोलकर, एकेन हस्तेन एक हाथ से, कृत्वा उन्होंने किया, क्या किया, गोवर्धन आचलम दधार, अचल अर्थात पर्वत, पर्वत के कई नाम होते हैं और शब्द होते हैं, कोई आप बता सकते हैं पर्वत शब्द के? डोंगर मत बोलिए, संस्कृत की बात कर रहे हैं। हाँ, गिरी, गिरी, ठीक है, हाँ गिरी, बहुत अच्छा, गिरी गोवर्धन, गिरी और मेरु एक पर्वत है, अद्री उसी तरह से अचल। अचल क्यों कहते हैं? क्योंकि पर्वत अचल होता, चलता नहीं है। ऐसे पुराणों में बताया गया कि पहले पर्वत चलते थे, बल्कि उड़ते थे, उनके पंख हुआ करते थे, परंतु एक बार
इंद्रदेव ने फिर उनके पंख काट दिए, उसके बाद से वो अचल हो गए। तो इसलिए अचल, ये अचल शब्द आप कहां सुनते हैं? भगवान के धाम के नाम में, सुंदराचल, नीलाचल, कभी कभी भक्त लोग इसे नीलांचल कहते हैं, सुंदरांचल। आंचल मतलब वस्त्र होता है, आंचल और अचल का अंतर होता है। तो अचल, तो एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन आचलम दधार, दधार मतलब धारण किया। तो इसके पहले कुछ कृष्ण कह चुके थे और सोच चुके थे, और उसके बाद उन्होंने एक हाथ में गोवर्धन आचल को ऊपर धारण किया, वेंकटाचल या शेषाद्री, तिरुपति में आप कहे ना अद्री अचल। और कैसे उन्होंने धारण किया गोवर्धन पर्वत को? लीलया, खेल खेल में, लीला एक खेल में उन्होंने धारण किया। किस प्रकार से? सुखदेव गोस्वामी थोड़ा स्पष्टीकरण करते हैं कि खेल खेल में कैसे। विष्णु, वो स्वयं विष्णु है, छत्राकम इव बालक। छत्राकम का अर्थ है हिंदी में कुकुर मुक्ता, मशरूम बोलते हैं इंग्लिश में, मराठी में काय बोलते हैं? हाँ, गावई, मशरूम आप जानते हैं ना, कुकुरमुत्ता हिंदी में बोलते हैं, छतरी के समान होता है छोटा सा, वैसे लोग खाते हैं, हमारे लिए इसको खाना वर्जित है, यद्यपि इसमें प्रोटीन वगैरह बहुत कुछ पाया जाता है। तो जैसे इव बालक, जैसे एक बच्चा एक कुकुरमुत्ता को या एक फूल को उखाड़ देता है जमीन से, कितने आसानी से, खेल खेल में बच्चा उखाड़ देता है, बच्चे के लिए कोई कठिनाई नहीं होती है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान ने गोवर्धन पर्वत को खेल खेल में आराम से लीला कर उठा दिया, एकेन हस्तेन। और यह तात्पर्य में बताया गया है कि हरिवंश पुराण में यह बताया गया है, सव्येन पाणिना, सव्य अर्थात बाया, पाणिना, पाणी अर्थात पाणी ने हाथ, जैसे चक्रपाणी भगवान का एक नाम है क्योंकि अपने हाथों में उन्होंने चक्र धारण किया है। तो सव्येन पाणिना, तो बाएं हाथ से उन्होंने इस पर्वत को धारण किया। तो गोवर्धन लीला इस प्रकार से भगवान ने प्रदर्शित की। और जब भगवान ने लीला में खेल खेल में ऐसे किया तो कोई कठिनाई नहीं हुई, स्वाभाविक है। हम जब कोई भारी वजन उठाते हैं हमारा चेहरा कैसे हो जाता है? आपने देखा है किसी दूसरे व्यक्ति को जब वो कोई भारी वजन उठाने जा रहा है, चेहरे पे विकार आ जाता है या नहीं? हो जाता है। और व्यक्ति को बहुत कष्ट करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है उस चीज को उठाने के लिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक पर्वत को उठाया और उनको तनिक भी कोई कठिनाई नहीं हुई, क्यों होगी? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को और हर एक ब्रह्मांड के भीतर जितने ग्रह हैं, जितने लोक हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण ने उठा के रखा है, उनके अंदर भगवान प्रविष्ट हुए हैं, अपनी ओजस शक्ति उन्होंने हर एक लोक या ग्रह में प्रदान कर दी है, जिससे कि हर एक लोक, हर एक ब्रह्मांड भी तैर सकता है अंतरिक्ष में। तो ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण, जिन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण किया है, बल्कि उनके कला, उनके अंश के अंश के अंश के अंशेष उन्होंने इस प्रकार से अपने फणों पे इन ब्रह्मांडों को धारण किया है, मानो कि वो सरसों के बीज हों। सरसों के बीज कितने छोटे होते हैं ना,
तो ऐसे छोटी बीज को उठाने में कोई हमें कठिनाई नहीं होती है। तो शेष जो भगवान के सेवक हैं, उन्होंने इसी प्रकार से इन ब्रह्मांडों को धारण किया है, और शेष तो केवल अंश के अंश हैं भगवान कृष्ण के। तो फिर भगवान श्री कृष्ण को एक पर्वत उठाने के लिए क्या कठिनाई हो सकती है? फिर भी इसमें मधुरता यह है कि श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी अब नर लीला कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नर बन गए हैं, नर के समान हैं, मनुष्य समाज में प्रकट हुए हैं। जिस समाज में, जिस योनि में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, उस योनि की तरह ही, उस योनि के जो सदस्य होते हैं उनकी तरह ही भगवान बर्ताव करते हैं। जब मछली जलचर प्राणियों के समाज में भगवान प्रकट हुए मत्स्य अवतार के रूप में, तो वो तैर रहे थे, दिखने के लिए भी मछली की तरह थे, दिख भी रहे, चल भी रहे थे, वैसे ही तैर रहे थे। उसी प्रकार से हंस अवतार में उन्होंने हंस का रूप धारण किया। श्री कृष्ण का रूप तो उनका निजी मूल रूप है, ये श्री कृष्ण ने धारण नहीं किया, पहले से ही है इनका ये रूप। परंतु क्योंकि वो मनुष्य समाज में प्रकट हुए, इसलिए उनका बर्ताव भी मनुष्यों की तरह था। उनका उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, बोल चाल अन्य मनुष्यों की तरह, अन्य बच्चों की तरह थी। गोवर्धन लीला के समय भगवान श्री कृष्ण की आयु क्या थी? 11 साल की, 7 साल की थी, 7 साल। तो 7 साल के बच्चे थे श्री कृष्ण अपनी प्रकट लीला में। तो जैसे अन्य 7 साल के बच्चे बर्ताव करते हैं, श्री कृष्ण वैसे बर्ताव कर रहे थे। तो जब श्री कृष्ण इस प्रकार से एक साधारण मनुष्य की भूमिका निभाते हैं, एक साधारण बच्चे की तरह दिखते हैं, खाते पीते उठते बैठते हैं, और तब जाकर वो ऐसे कोई अद्भुत कार्य करते हैं जिसमें ऐसे अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, तब सभी लोग चकाचौंध हो जाते हैं। और ऐसे दिखने वाले नाजुक परिस्थिति में, क्योंकि 7 साल का बच्चा तो नाजुक ही होता है ना, तो एक दिखने वाले नाजुक परिस्थिति में भी भगवान जब ऐसे एक अद्भुत कार्य कर दिखाते हैं, तब भक्तों का हृदय और भी प्रेम से भर आता है। तब उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है। भगवान की लीलाएं ऐसे ऐश्वर्य और शक्ति के प्रदर्शन से और भी मीठे हो जाते हैं वृंदावन में। परंतु वृंदावन के बाहर जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, तो यद्यपि भगवान के भक्त उनका गुणगान करते हैं, परंतु ऐश्वर्य भाव से। परंतु वृंदावन में जब भगवान ऐसे करते हैं, तो मिठास बढ़ जाता है, ऐश्वर्य भाव नहीं बढ़ता, माधुर्य भाव बढ़ता है। तो खैर, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे गोवर्धन पर्वत धारण किया बहुत ही आसानी से। और उसके बाद आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अथा आह, आह मतलब बोले, अथ, अथ मतलब इसके बाद, तत्पश्चात गोवर्धन पर्वत धारण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अथ आह भगवान, किन से कहा? गोपान, गोपों से कहा, ब्रजवासियों से कहा। क्या कहा? हे अम्ब, अम्ब अर्थात माता, अम्बा ने, अम्ब, अम्ब जैसे अम्बा देवी, तो ये माता है, माता को अम्ब कहते हैं। तो यशोदा माता को से बात कर रहे थे, हे तात पिता, नंद महाराज से बात कर रहे थे, हे व्रजौकसः, व्रज ओकस,
ओकसह अर्थात जो निवास करने वाले हैं। तो हे माता, हे पिता, हे प्रिय व्रजवासियों, यथा उपजोषम, जैसा आपको रुचे, यदि आपकी इच्छा हो तो क्या करिए, विशत गिरीर गर्तम, आप प्रवेश कीजिए इस पर्वत के नीचे, जिस पर्वत को मैंने अभी धारण किया हुआ है, यहां अभी स्थान जगह खाली हो गया है, तो यदि आप चाहें तो यहां पे आ जाइए, इस पर्वत के नीचे आ जाइए, और अकेले मत आइए। स गोधनाह, गोधन आपका जो गोधन है, आपकी जो गौवे बछड़े सांड आदि हैं, उन सबको ले आइए। तो अभी ऐसा एक निमंत्रण भगवान श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को दिया, आइए मेरे साथ आइए, परंतु इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है ना। क्यों क्यों श्रद्धा की आवश्यकता है? अरे पर्वत गिर जाएगा तो क्या होगा, है ना? और वैसे भी छोटा बच्चा धारण कर रहा है पर्वत, वैसे कोई पहलवान ने भी धारण किया होता फिर भी कोई संशय होता मन में। अब ये छोटा बच्चा खड़ा है यहां पर 7 साल का, बादल गरजते हैं तो बच्चा मां की गोदी में भागता है डर के मारे। अब ये बच्चा गोवर्धन पर्वत धारण कर रहा है और हमें कह रहा कि आओ नीचे आओ, तो श्रद्धा की आवश्यकता तो है। तो भगवान जानते थे कि हो सकता है इनके मन में योग माया के द्वारा ऐसे संशय उत्पन्न हुए होंगे। क्यों? क्योंकि उनका भगवत ज्ञान ढका हुआ था, ऐश्वर्य ज्ञान ढका हुआ था, वो श्री कृष्ण को अपना पुत्र, अपना मित्र, अपना प्रेमी आदि मानते थे। इसलिए वो सोच रहे थे कि छोटा बच्चा ये कैसे संभाल पाएगा गोवर्धन पर्वत को, उठा तो दिया उसने, चमत्कार हो गया कुछ, परंतु ये धारण कर पाएगा क्या लंबे समय के लिए? तो इसलिए आने वाले श्लोकों में भगवान उनको आश्वासन देंगे, मां शुचः, डरो नहीं। देखिए बार बार भगवान को ऐसे आश्वासन देना पड़ता है बद्ध जीवों को, जब अपने निजी पार्षदों को जो कि बद्ध नहीं हैं उनको भी देना पड़ा, तो हम सब बद्ध जीवों को तो देना ही पड़ता है। इसलिए मां शुचः, डरो नहीं कहते रहते हैं भगवान, क्योंकि हम लोग डरते रहते हैं। तो यहां पर अभी वो तो आ तो गए, और दूसरे चमत्कार की बात क्या है, उन्होंने कहा कि आप तो सब आइए अवश्य, परंतु स गोधनाह, स मतलब साथ में, अपने गवों को साथ में लेकर आइए। नंद महाराज के 9 लाख गाय थे। अभी आप में से जो गौशाला चलाते हैं, गौशाला में गए हैं, आप जानते हैं कि 5-10 गायों को रखने के लिए भी कितनी जगह की आवश्यकता होती है, और 50 गाय हो तो बस बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, और 9 लाख गायों के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी। साथ साथ इतने सारे ब्रजवासी थे, तो ये प्रश्न उठता है। और तात्पर्य में भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि सामान्यतया विशाल गो समुदाय जिसमें हजारों गौवें बछड़े सांड आदि थे, गोवर्धन जैसे मध्यम आकार वाले पर्वत के नीचे नहीं आ सकता था। तो साधारण दृष्टि से, क्योंकि गोवर्धन पर्वत मध्यम आकार का पर्वत था, तो ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने ऐसे निमंत्रण क्यों किया, कैसे किया, और ये कैसे संभव हुआ कि ये लाखों गाय और हजारों की संख्या में जो ब्रजवासी थे, इस मध्यम आकार के पर्वत के नीचे आए कैसे, इतनी जगह हो गई कैसे उनके लिए। देखिए आध्यात्मिक जगत में न स्थान या जगह और न काल की सीमा होती है, भौतिक जगत में इन दोनों की सीमा होती है।
ये दोनों हमारे जीवन में हमें सीमित करते हैं। काल का समय, जैसे एक क्षण बीत जाता है, वो क्षण बीत गया, हम कभी भी उस क्षण को वापस नहीं ले सकते। ठीक उसी प्रकार से स्थान से हम सीमित हैं। हम यहां बैठे हैं तो इसी क्षण दूसरे स्थान में नहीं बैठ सकते, एक क्षण में एक ही स्थान में बैठ सकते हैं। यदि हमारा घर इतना है तो वो कितना विस्तार कर सकते हैं, थोड़ा ही विस्तार कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में क्योंकि स्थान की कोई सीमा नहीं है, तो भगवान जितना चाहे अपने धाम को विस्तृत कर सकते हैं। जब श्री रामचंद्र सीता देवी और लक्ष्मण जी को लेकर लंका से लौट के आ रहे थे अयोध्या, तो उस समय विभीषण ने उनको यह पुष्पक विमान दिया और पुष्पक विमान के अंदर सारी वानर सेना बैठ गई। वैसे पुष्पक विमान दिखने के लिए तो एक बिल्कुल मध्यम आकार का एक विमान था, और वानर सेना की संख्या तो कितनी थी, लाखों में थी। कैसे बैठ गए वो अंदर? और बैठे भी, आ तो गए अंदर, परंतु बंबई की रेलगाड़ी की तरह अंदर नहीं बैठे। आप में से जो बंबई की रेलगाड़ी में सफर कर चुके हैं, आप जानते हैं कि लोग कितने आराम से अंदर बैठते हैं। तो वहां पर वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि बड़े आराम से सारे वानर सेना वानरों ने वहां बैठने का सबको जगह मिल गया। तो क्योंकि पुष्पक विमान अपने आकार को बढ़ा सकता था, उसमें कोई कठिनाई नहीं थी। उसी प्रकार से गोलोक वृंदावन धाम जो है, एक कमल पुष्प के समान है। कभी ये पुष्प छोटा होता है तो कभी ये बड़ा हो जाता है, खिल जाता है। तो उसी प्रकार से जो विभिन्न स्थान है ब्रजमंडल में, कभी कभी एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, कभी थोड़े दूर आ जाते हैं। कृष्ण की लीला के लिए जो भी अनुकूल व्यवस्था करनी पड़ती है, वो भगवान का धाम जो कि बलराम के विस्तार है, वो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। तो अब यह प्रश्न आता है कि गोवर्धन जो एक मध्यम आकार का पर्वत है, इसके नीचे इतना विशाल गौ समुदाय और विशाल व्रजवासी समुदाय कैसे आ गया, कैसे सबके लिए जगह हो गई? और इसके लिए यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्तर भी देते हैं। वो कहते हैं, किंतु भगवान के हाथों का स्पर्श पाकर इस पर्वत ने हर्षातिरेक के कारण अचिंत्य शक्ति प्राप्त कर ली। किसके कारण? भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श के कारण। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 21वें अध्याय में एक सुंदर श्लोक है गोवर्धन के संबंध में। 21वां अध्याय बहुत प्रसिद्ध अध्याय है। इस अध्याय का शीर्षक क्या है, कोई बता सकते हैं? वेणुगीत, वेणुगीत। तो इसमें गोपियां आपस में परस्पर बातचीत कर रही हैं। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयोस्तयो यत् पानीय सूयवस कंदर कंद मूले। तो गोपियां कहती हैं एक दूसरे से बात करते हुए, हंता हंत हंत। कभी हंत हंत कहते हैं दुख के समय, हाय हाय कहते समय। कभी कभी हंत कहते हैं आश्चर्य में, आनंद में भी हंत हंत कहते हैं। हंत, गोपियां एक दूसरे से बात कर रही हैं कि हंत, अरे देखो, अयम अद्रिही, अयम अर्थात ये, अद्री अर्थात पर्वत, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब याद रखिए, जिस समय गोपियां आपस में ये बातचीत कर रही हैं, वो गोवर्धन के पास शायद नहीं थी, वो अपने गांव में थी। कोई दही का मंथन कर रही थी, कोई कुछ क्या कर रही थी, आपस में इधर उधर कुछ कर रही थी।
परंतु अयम अद्री इस पर्वत की बात कर रहे, मानो कि वो भी श्री कृष्ण के साथ गोवर्धन पे हैं, एक भाव है उनका। जैसे हम कहते हैं ये पर्वत या वो पर्वत, ये मतलब निकटस्थ, निकट होने वाले के लिए कहते हैं ये, और जो दूरस्थ है, दूर स्थित है, उसके कहते हैं वो। इस पेड़ को देखिए, उस पेड़ को देखिए, अंतर है ना। तो अयम अद्रिहि, तो ये पर्वत, जबकि गोपियां उस पर्वत के इतने निकट में नहीं है, परंतु भाव में आके वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो श्री कृष्ण के साथ में गायों को चराने के लिए गई हैं। हंत अयम अद्रि अबला, अबला था एक सखी गोपी से बात कर रही है। हंतायम अद्रि रबला हरिदास वर्यो, इदम अद्रि हरिदास वर्य। ये जो गोवर्धन है, ये अद्रि, ये पर्वत है, ये हरिदास है, हरि का दास। और केवल हरि का दास नहीं है, वर्य, वर्य अर्थात श्रेष्ठ, ये हरिदासों में से श्रेष्ठ है। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, राम अर्थात बलराम, बलराम और कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद है। प्रमोद का अर्थ क्या है? आनंद, उल्लसित। तो गोवर्धन अब उल्लसित है, उल्लास का अनुभव कर रहा है गोवर्धन। मानम तनोति, और वो सम्मान अर्पण कर रहा है कृष्ण और बलराम को। मानम तनोति, और क्या कर रहा है? केवल कृष्ण और बलराम को नहीं, सह गो गणयो, श्री कृष्ण और बलराम के साथ में जो गाय हैं और गणयो हो, उनसे संबंधित, गायों से संबंधित और भी जो हैं, जैसे ग्वाल बाल है विशेष करके, और भी जितने ब्रजवासी हैं विशेष करके गोपियां, उन सबको गोवर्धन सम्मान दे रहे हैं। मानम तनोति, कैसे सम्मान दे रहे हैं? पानीय सूय वस कंदर कंद मूल ही, उनको ये सब चीजें दे रहे हैं। कौन सी चीजें? पानीय, जल। गोवर्धन में बहुत झरने हुआ करते थे प्रकट लीला में भी, आज अप्रकट लीला में है, परंतु प्रकट हम जब देखने जाते हैं, आप में से जो ब्रज धाम गए हैं अभी, आपको वहां कोई झरने शायद नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि प्रकट दृष्टि में नहीं है वो, परंतु श्री कृष्ण के समय ये प्रकट लीला में दिखाई पड़ता था। तो पानी या तो ब्रजवासियों को, गायों को, गोपगणों को वो शीतल और मधुर जल पीने के लिए प्रदान करते थे। सूयवस, सूयवस अर्थात घास। किस तरह का घास? जो कि बहुत मुलायम हो, जो बहुत सुगंधित हो, और जो बहुत मीठा हो। किन के लिए? गायों के लिए, दुर्वा घास विशेष करके। तो दो प्रकार के घास होते थे, एक जो दुर्वा आदि जो धार्मिक क्रियाओं में प्रयोग किए जाते थे, और दूसरा गायों को खाने के लिए, चरने के लिए। तो इस प्रकार से गोवर्धन श्री कृष्ण के गायों की सेवा भी करते थे। कंदर, कंद अर्थात जो गुफे होते हैं, कभी जब गर्मी हो जाती थी या ठंडी हो जाती थी या बारिश होती थी, तो श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ गुफों के अंदर जाते थे। कभी उनको विश्राम करने की इच्छा होती तो गुफों में जाके विश्राम करते। कंदर, कंद मूल ही, तो कंद मूल बहुत सारे थे वहां पे, फल फूल कंद मूल इत्यादि खाने के लिए। बीच बीच में उनको कुछ खाने की इच्छा हो जाती तो कुछ फल ले लिया, कुछ कंद मूल ले लिए, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट। वहां पे गोवर्धन के वनों में ये सारी चीजें उपलब्ध थी। तो इस प्रकार से गोवर्धन ने कृष्ण, बलराम, गायों की, गोपों की, गोपियों की सेवा की। तो ये श्लोक है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि गोवर्धन को गोपियों ने हरिदास वर्य कहके क्यों संबोधित किया, हरिदासों में से श्रेष्ठ। वैसे और दो भक्तों को श्रीमद् भागवत में
हरिदास कह के संबोधित किया गया है। आप जानते हैं कौन कौन है वो दो भक्त? हाँ, युधिष्ठिर महाराज, बहुत अच्छा। एक और, हाँ, हरिदास, वो तो भागवत की बात हम कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम। दूसरे हैं उद्धव। तो इन दोनों को हरिदास कहा गया है। युधिष्ठिर महाराज को हरिदास क्यों कहा गया? देखिए, राजसूय यज्ञ जब संपन्न किया युधिष्ठिर महाराज ने, श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए किया। उस समय विश्व भर से तरह तरह के लोग आए, राजकुमार आए, राजा आए, संत ऋषि मुनिगण भी आए, सब लोग आए, और केवल कृष्ण का दर्शन करने के लिए नहीं, वो साथ साथ कृष्ण के परम भक्त पांडवों का और युधिष्ठिर महाराज का दर्शन करने के लिए भी आए थे। इससे हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण के लिए पांडव कितने प्रिय थे। श्री कृष्ण ने स्वयं सारे अतिथियों की सेवा की, वहां पर पांडवों की सेवा की, और उनका प्रतिनिधित्व करते हुए अतिथियों की सेवा की, उनका स्वागत किया। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के घर में रहते थे, उनके साथ में खाते थे, पीते थे, सोते थे, बातचीत करते थे, आपस में चुटकुले सुनाते थे एक दूसरे को। इतना निकट का संबंध था श्री कृष्ण का, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को हरिदास कहा गया है। जहां तक उद्धव जी हैं, उनके बारे में तो हम सब जानते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को वृंदावन भेजा, ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए। सांत्वना की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा चले आए तो व्रजवासियों के मन में इतनी तीव्र विरह की भावना उत्पन्न हुई थी कि उनके लिए प्राय असहनीय हो गया था। वो भी आश्चर्यचकित थे, सारी गोपियां विशेष करके, कि हमारे प्राण अभी तक शरीर में कैसे हैं, प्राण कैसे छूट नहीं गए शरीर से। वो विरह का दुख इतना था व्रजवासियों के लिए। तो श्री कृष्ण इस बात को भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने उद्धव को भेजा, क्योंकि वो जानते थे कि यदि कोई सांत्वना दे पाएगा व्रजवासियों को, वो उद्धव ही हो सकते हैं, क्योंकि मथुरा में से वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, हर दृष्टि से, हर कला से युक्त हैं वो, राजनीति के क्षेत्र में हो या वार्तालाप के क्षेत्र में हो, संभाषण के विषय में हो, हर विषय में वो सर्वश्रेष्ठ थे और शुद्ध भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। तो वहां कई महीने रहे उद्धव, और वो तो आए थे उनको कुछ सिखलाने के लिए, परंतु खुद शिष्य बन के चले आए, ब्रजवासियों के शिष्य वो स्वयं बन गए। उन्होंने देखा कि अरे कितने बड़े भक्त हैं। तो खैर, क्योंकि उद्धव इस प्रकार के भक्त थे, उनको भी हरिदास कहके संबोधित किया गया है। तो गोवर्धन को केवल हरिदास नहीं, हरिदास वर्य कहके संबोधित किया गया। ऐसे क्यों? वर्य, ऐसे क्या गुण हैं गोवर्धन में कि जिसकी वजह से गोवर्धन को हरिदासों में से सर्वश्रेष्ठ माना गया है? और इसका उत्तर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तात्पर्य में दिया, जो हमने पढ़ा, कि श्री कृष्ण के स्पर्श से वो हर्षित हो गए थे गोवर्धन, आनंदित हो गए थे, और आनंदित होने के कारण उन्होंने अपने शरीर को अर्थात पर्वत को विस्तृत कर दिया। तो पहाड़ यद्यपि साधारण अवस्था में मध्यम आकार का पर्वत था, परंतु श्री कृष्ण के स्पर्श से, श्री कृष्ण की सेवा हेतु वो पर्वत बहुत विशाल बन गया। कितना विशाल बन गया? जितना आवश्यक था सारे ब्रजवासियों को नीचे आश्रय प्रदान करने के लिए।
तो जिस श्लोक को हमने अभी पढ़ा, अभी हमने जिसका पठन किया, हंताय मद्रि रबला, उसमें भी यही बात बताई गई है। हरिदास वर्य के बाद क्या कहा गया है, श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। तो गिरि गोवर्धन बहुत प्रफुल्लित हो गए थे, उल्लसित हो गए थे श्री कृष्ण और श्री राम के चरण कमलों के स्पर्श से। पहले की बात हो रही है। तो हरिदास वर्य कहने के पीछे ये कारण है, पहला कारण। हम आपको कई कारण बताएंगे, ये पहला कारण है कि क्योंकि अपने प्रभु श्री कृष्ण की सेवा करते समय वो बहुत ही प्रफुल्लित थे, आनंदित थे, हर्षित थे। ये सही भाव है सेवा करने का। जब हम सेवा करते हैं तो बड़े आनंद से करना चाहिए, चाहे हम प्रत्यक्ष भगवान की सेवा कर रहे हों या हम भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हों। जो भी हम करते हैं सेवा के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, बड़े आनंद से करना चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि अरे ये तो कितना भारी बोझ है, कहाँ अटका दिया हमें सेवा में। प्रभुपाद जी कभी कभी बोला करते थे कि यदि आप ठीक से माला जप नहीं करोगे, श्रवण कीर्तन ठीक से नहीं करोगे, ये जो विग्रह है, विग्रह श्री मूर्ति, वो विग्रह न रह के गलग्रह बन जाएगा आपके लिए। आप सोचोगे अरे गुरु महाराज ने कहां हमें बांध के रखा है, कहां हमें फंसा दिया है, अभी रोज हमें उठ के विग्रह की सेवा करनी पड़ती है, हम अटक गए यहां पे। तो प्रभुपाद ने चेतावनी दी अपने शिष्यों को कि यदि श्रवण कीर्तन ठीक से नहीं करोगे तो ये सेवा भारी पड़ जाएगा, सेवा एक बोझ बन जाएगा। तो इसलिए सेवा करने का भाव कैसे होना चाहिए गोवर्धन ने सिखलाया है। इसलिए वो हरिदास वर्य है, बड़े आनंद से सेवा करते हैं वो, केवल आनंद में प्रफुल्लित प्रमोद है। तो यदि सेवक का भाव अच्छा न हो, यदि सेवक आनंद से सेवा नहीं कर रहा हो, तो सेवा स्वीकार करने वाले को भी आनंद नहीं आता है। जैसे आप किसी के घर में गए हो, आप अतिथि हैं उनके, और वो आपकी सेवा कर रहे हैं क्योंकि आप आए हो घर में, आपको प्रसाद परोस रहे हैं, आप बैठे हैं प्रसाद के लिए, उनका चेहरा इतना छोटा है, उदास चेहरा है, कुछ मन सेवा में नहीं लग रहा है, ध्यान कहीं और है उनका, और चपाती दे रहे हैं ले लीजिए। तो आप बड़े आतुरता से गए थे उनके घर में, जा रहे हैं खूब प्रसाद लेंगे, आनंद से रहेंगे, और आप देख रहे कि इनका हृदय इसमें नहीं है। शायद वो सोच रहे हैं कि हम बोझ बन गए उनके लिए, तो आपको भी आनंद नहीं आएगा क्योंकि दिखाई पड़ रहा है कि इनको मेरी सेवा करने में आनंद नहीं आ रहा है, तो भी मुझे भी आनंद नहीं आएगा। लेकिन हम जब देखते हैं कि कितने आनंद से ये प्रसाद परोस रहे हैं, हाँ बहुत ज्यादा आनंद भी नहीं करना चाहिए क्योंकि पेट, जो खाने वाले का पेट है उसको ख्याल रखना चाहिए। जो भी है, जब सेवा करने वाला बड़े आनंद से सेवा करता है तो सेवा स्वीकार करने वाले को भी बहुत आनंद होता है। तो जब हम अन्य वैष्णवों की सेवा करते हैं, हम गुरुजनों की सेवा करते हैं, साक्षात भगवान की सेवा करते हैं, यदि हमने आनंद से सेवा की तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सेवा जो है वह सफल हो जाती है। तो जो सबसे श्रेष्ठ सेवक होते हैं वो इस भाव से सेवा करते हैं, कभी भी अपनी सेवा को बोझ नहीं मानते हैं। तो कोई ऐसे प्रश्न कर सकता है, ठीक है जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो सेवा बड़े प्रसन्नता से हम कर सकते हैं, परंतु कभी कभी कितने कष्ट आते हैं जीवन में, कभी मानसिक तनाव होता है, कभी कोई और समस्या होती है, कभी कुछ भक्त ने हमें कह दिया होता है दो शब्द जिसके बारे जो जिनको हम भूल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में बड़े आनंद से सेवा करना इतना आसान नहीं है। परंतु देखिए गोवर्धन की दशा क्या थी,
गोवर्धन की दशा ये थी कि यद्यपि इंद्रदेव वज्रपात कर रहे थे, और इंद्र का वज्र जो है ये बहुत भयंकर होता है, और सांबर तक बादलों से वर्षा हो रही थी, मानो कि बरसात के खंभे गिर रहे थे, इतने वेग, इतना तीव्र वेग था जल का, वायु का, ऐसे उग्र रूप से हवा बह रही थी, तूफान के समान था सब, ओले पड़ रहे थे, शिलावृष्टि, बारिश भी इतनी मूसलधार, वर्षा भी हो रही थी। तो ऐसे अवस्था में यदि किसी को कहा जाए भाई आनंद से सेवा करो, वो कहेगा अरे क्या बोल रहे हो भाई, कैसे सेवा कर सकते हैं, देखते नहीं कितनी परेशानी में हूं मैं, बोलना आसान है आपके लिए, लेकिन मैं ऐसे परिस्थिति में, मुझे ही पता है कि किस कष्ट से मैं गुजर रहा हूं, आपको उपदेश देने में क्या होता है, होता है ना कभी कभी ऐसे। तो गोवर्धन ने कभी शिकायत की कि अरे मेरे ऊपर वज्र गिर रहे हैं, व्रजवासी तो सारे अंदर थे नीचे पर्वत के नीचे, तो सारे वज्रों को सहन करना पड़ा, बारिश को सहन करना पड़ा, हवा को सहन करना पड़ा, किनको? गोवर्धन को। तो गोवर्धन ने उनको कुछ ज्यादा नहीं माना, कष्ट नहीं माना, बल्कि जैसे कि यहां पर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तात्पर्य में कह रहे हैं कि क्योंकि सेवा का अवसर गोवर्धन को मिला था कृष्ण बलराम की और व्रजवासियों की, वो इतने आनंदित थे कि इंद्रदेव के वज्रपात को उन्हें सुगंधित फूलों की माला के रूप में अनुभव किया उन्होंने। और कभी कभी उन्होंने सोचा कि वज्र हो रहा है कि नहीं, वज्रपात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको समझ में भी नहीं आ रहा था। दूसरे शब्दों में जब हम सेवा में इतने मग्न होते हैं, हम इतने आनंद से कर रहे होते हैं, तो कोई कष्ट आए भी जीवन में, उस समय भी हम उस कष्ट को छोटा मानते हैं, लापरवाही करते हैं उस कष्ट को, ये कष्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा आनंद मिल रहा है, उस आनंद के सामने कुछ कष्ट जो हो रहा है उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं, आसान हो जाता है। तो गिरि गोवर्धन ने हमें सिखलाया है कि कैसे हमें सेवा करनी चाहिए, बड़े आनंद से करनी चाहिए सेवा, और कष्टों के बीच में भी जो आनंद का भाव है, प्रसन्नता की जो चेतना है, वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक शिक्षा हम गिरि गोवर्धन से सीख रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं हरिदास वर्य। दूसरा कारण कि गोवर्धन हरिदास वर्य है, वो ये है कि गोवर्धन ने अपना पूरा शरीर, अपना सर्वस्व श्री कृष्ण की सेवा के लिए अर्पण किया था, उनका पूरा शरीर, और उनके शरीर के ऊपर कितना प्रहार हो रहा था, वज्रपात, बारिश, हवा, फिर भी उन्होंने कुछ शिकायत नहीं की, वो दूसरी बात है, परंतु समर्पित किया उन्होंने अपने शरीर को, और जो भी उनसे शरीर से संबंधित था वो सब कुछ उनके शरीर के ऊपर, जो पर्वत, जो जो झरने थे, जो घास थे वगैरह, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं क्योंकि वो इतने आनंदित थे गोवर्धन, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। तो उनके रोंगटे क्या थे? गोवर्धन के ऊपर जो पेड़ हैं, जो घास है, वो घास ही बिल्कुल खड़े हो गए थे आनंद से, और जो जानवर थे, जो पशु थे, जो कोने में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, जैसे ही इंद्रदेव का आक्रमण शुरू हो गया, वो सारे के सारे शिखर तक या चोटी तक, पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए, और उनको भी कोई कष्ट नहीं हुआ। तो गोवर्धन को तो कष्ट हुआ नहीं, परंतु गोवर्धन के शरीर के ऊपर जितने प्राणी आदि थे उनको भी कोई कष्ट नहीं हुआ। इसलिए पानी सूय व सकंद रकंद मूलई, है ना, ये सब चीजें
सेवा में अर्पण कर रहे थे वो। तो ये दूसरी बात है कि गोवर्धन ने अपना सब कुछ समर्पित किया, तो वो सेवक भगवान कृष्ण का श्रेष्ठ माना जाता है जिसने अपना तन मन धन और वाणी सब अर्पण कर लिया हो। केवल तन और मन और वाणी, लेकिन धन नहीं, नहीं चलेगा। केवल धन परंतु मन नहीं, फिर भी नहीं चलेगा। केवल वाणी परंतु तन और मन नहीं, फिर भी नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत सेवा हम कर भी रहे हो तो भगवान इससे बहुत ऋणी हो जाते हैं। छोटी मोटी सेवा भी क्यों न हो, ये भगवान का स्वभाव है। छोटी सेवा को भी बहुत बड़ी मान लेते हैं। फिर भी भक्त की दृष्टि से देखा जाए तो वो भक्त श्रेष्ठ माना जाता है जो अपना सर्वस्व अर्पण करता है भगवान की सेवा में। इसे कहते हैं संपूर्ण शरणागति, आत्म निवेदनम, जो शरणागति के छह अंगों का छठा अंग है। तो ये दूसरा कारण है कि हरिदास गोवर्धन हरिदास वर्य है। तीसरा कारण है कि हरिदास गोवर्धन ने केवल श्री कृष्ण बलराम की सेवा नहीं की, जितनी आतुरता से, जितने प्रेम से, जितने आनंद से गोवर्धन ने कृष्ण और बलराम की सेवा की, उतने ही आनंद और प्रेम से उन्होंने श्री कृष्ण के पार्षदों की, उनके भक्तों की सेवा की। जो उनके गाय थे, जो और उनके ग्वाल बाल मित्र थे, अन्य ब्रजवासी थे, उनकी भी सेवा उसी तरह से की उन्होंने। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ में प्रभुपाद जी इस गोवर्धन लीला के संबंध में कहते हैं कि गोवर्धन जानते थे कि श्री कृष्ण को कैसे जल्दी प्रसन्न करना है। सबसे श्रेष्ठ मार्ग कृष्ण को प्रसन्न करने का क्या है कि उनसे संबंधित जो हैं, जो उनके भक्त हैं, उनकी सेवा करना। इसलिए श्री कृष्ण आदि पुराण में भी कहते हैं, ये मे भक्त जनाः पार्थ न मे भक्ताश्च ते जनाः, कि हे पार्थ, हे अर्जुन, ये मे भक्त जनाः, जो मेरे भक्त हैं, अर्थात जो अपने आप को मेरा भक्त मानते हैं, न मे भक्ताश्च ते जनाः, वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। अरे ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्त है वो मेरे भक्त नहीं है। क्या तात्पर्य है इसका? वो फिर वो समझाते हैं, मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता ते में भक्त तमामता है। मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता है, मेरे भक्तों के जो भक्त हैं और इसी तरह से जो अपने आप को मानते हैं कि मैं कृष्ण के भक्तों का भक्त हूं, मैं प्रत्यक्ष कृष्ण का भक्त नहीं हूं, वो तो बहुत ऊंचा स्थान है, वो राधा रानी के लिए है, ग्वाल बालों के लिए है। मैं तो साधारण भक्त हूं, इसलिए मैं प्रत्यक्ष कृष्ण का भक्त नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता, मद अर्थात मेरे, कृष्ण बात कर रहे हैं ना, तो कृष्ण के भक्तों के जो भक्त हैं ते में भक्त तमामताः, मैं मानता हूं, कृष्ण कहते हैं कि ये भक्त तम है, भक्त भक्त तर भक्त तम, तरतम न्याय, अच्छा और अच्छा सबसे अच्छा। तो जो प्रत्यक्ष भगवान के भक्त हैं, ठीक है वो है भक्त, परंतु सबसे श्रेष्ठ भक्त वो है जो अपने आप को कृष्ण के भक्तों के भक्त के रूप में मानते हैं और वास्तव में वैसे कार्य भी करते हैं। तो गोवर्धन ने ये अपने कार्यों से दिखाया, इसलिए वो हरिदास वर्य कहते हैं। उन्होंने कृष्ण के प्रिय ब्रजवासियों की रक्षा की, उनके भक्तों की सेवा की, गायों की और गोपों की, गोपियों की, इसलिए कृष्ण के लिए बहुत प्रिय हैं और वर्य शब्द का प्रयोग उनकी सेवा के लिए करना उपयुक्त है। और एक कारण है कि गोवर्धन को हरिदास वर्य कहा गया है।
जैसे मैंने पहले कहा कि जब गोपियां ये हंताय मत्र रबला श्लोक बोल रहे थी तो वो गोवर्धन से इतने पास में नहीं थी, वो दूर थी, अपने गांव में थी। तो उन्होंने ये कहा हरिदास वर्य क्यों, क्योंकि हम तो सीधी तरह से कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। क्यों? उस समय याद रखिए कृष्ण 7 वर्ष के थे, रासलीला कृष्ण किस आयु पर हुई? 8 साल की आयु पर हुई। इसका तात्पर्य ये है कि जिस समय गोवर्धन लीला हुई, जो तरुणी गोपियां हैं उन्होंने श्री कृष्ण का संग नहीं प्राप्त किया था, केवल कृष्ण को देखा था, कृष्ण के बारे में सुना था, परंतु प्रत्यक्ष रूप से जाके श्री कृष्ण से बातचीत आदि नहीं की थी। और सारी गोपियां, तरुण गोपियां, वो अपने वरिष्ठों के निरीक्षण में रहती थी, तो यहां वहां जाना मना था उनके लिए। परंतु केवल कृष्ण को देखकर, कृष्ण के बारे में सुनकर उनके हृदय में बहुत तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हुई थी, एक लालसा उत्पन्न हुई थी श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। परंतु वो सोच रही थी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, वो हमको छोड़ नहीं रहे हैं, हम कैसे जाएं वहां पर। तो वो कह रहे थे कि यदि कृष्ण का संग प्राप्त करना है तो हमें ऐसे महान भक्तों की कृपा पानी चाहिए। तो महान भक्त कौन है? गोवर्धन है। क्यों? देखो किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं गोवर्धन। पानी असूय वसकंदर कंद मूल ही मानम तनोति सह गोगण योस्तयोर्यत। कितनी अच्छी तरह से वो कृष्ण, बलराम और जितने भी गाय हैं और ग्वाल बाल हैं सबकी सेवा कर रहे हैं, उच्च कोटि की सेवा इनकी है। तो ये महान वैष्णव है, इसलिए इनकी कृपा हमें मिल गई तो हम कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए वो कहा इनका संग हमारे लिए आवश्यक है, तो इनके संग से हम कृष्ण की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये प्रत्यक्ष कृष्ण का संग कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने फिर गोवर्धन को हरिदास वर्य कहा, क्योंकि श्री कृष्ण को पाने के लिए उनके भक्तों के माध्यम से जाना पड़ता है, उन भक्तों की कृपा की आवश्यकता होती है। और क्योंकि गोवर्धन इतनी निजी सेवा में लगे हुए थे कृष्ण और बलराम के, तो गोपियों ने समझा गुरु गोवर्धन की कृपा होगी तो कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से गोपियों ने गोवर्धन को हरिदास वर्य की पदवी दे दी, सारे हरिदासों में से सर्वश्रेष्ठ। आनंद से सेवा करते करते रहे और फिर कृष्ण भगवान ने सबको आमंत्रित किया, ओ प्रिय ब्रजवासियों, आप गोवर्धन के नीचे आइए, मैंने गोवर्धन धारण करके रखा है। और जानते हैं भगवान कि सब लोग हिचकिचाएंगे शायद, तो कल आप देखेंगे जब यहां पे चर्चा होगी भागवत की, तो उसमें भगवान किस प्रकार से उनको सांत्वना देते हैं, आश्वासन दिलाते हैं कि चिंता नहीं करो, कुछ होगा नहीं, आ जाओ गोवर्धन के नीचे। तो उसी प्रकार से यहां पर भी भगवान श्री श्री राधा गोविंद विराजमान है, बांसुरी बजाते बजाते खड़े हैं, कह रहे हैं आओ आओ, डरो नहीं, डरो नहीं। जब हम भक्ति में आते हैं कभी आने के पहले हिचकिचाते हैं, अगर आए तो क्या होगा। कई भक्त हमें मिलते हैं जो भक्त बनने की तैयारी में, परंतु कहते मैं पीछे हट रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं आप सबके संग में आऊंगा ना तो ये सब मेरी छूट जाएगी आदतें, इसलिए मैं नहीं आना चाहता हूं। कभी कभी रिश्तेदार जो होते हैं भक्तों के, वो चिंतित हो जाते हैं कि अरे ये क्या होगा, हमारे ये भाई हैं, बच्चे हैं, पति हैं, पत्नी हैं, ये भक्ति में आगे जाएंगे तो सब कुछ छोड़ देंगे, क्या होगा। इसलिए भगवान कहते हैं मां शुचर, डरो नहीं, डरो नहीं, मैं बासुर बजा रहा हूं, शांति से खड़ा हूं, आओ भाई आओ, आ जाओ। तो इसलिए जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन के आश्रय में सारे ब्रजवासियों को बुलाया, गोवर्धन आश्रय के एक निमित्त बने,
भगवान की ओर से। उसी प्रकार से ये गोविंद धाम भी गोवर्धन की तरह है। यहां राधा गोविंद खड़े हैं, विराजमान हैं। गोविंद देव अपनी बांसुरी बजाकर आमंत्रण दे रहे, आओ आओ गोविंद धाम में, हमारे मंदिर में आओ, यहां पे वास्तविक आश्रय स्वीकार करो और सच्चे भक्ति का आनंद का अनुभव करो। तो आप सब यहां पे जितना हो सके इतना आइए, यहां भक्तों का संग कीजिए, यहां सेवा कीजिए और यहां का जो प्रचार प्रसार का कार्य उसको बढ़ाइए। एकजुट होकर ये भक्त समाज को और मजबूत बनाइए, सुदृढ़ बनाइए। आपस में बहुत गहरा प्रेम विश्वास का संबंध बनाए रखिए और साथ साथ में सब गोलोक वृंदावन की ओर आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज जी खूब धन्यवाद, आपने अपनी मधुर भाषा में लीला को समझाया, विशेष करके क्यों गोवर्धन हरिदास भवि है इसके बारे में आपने बहुत सुंदर रूप से बताया, इसके लिए धन्यवाद महाराज जी। आज मेरे दो प्रश्न है। पहला तो ये है कि यहाँ पे गोवर्धन जी को हरिदास भव्य कहा गया है, लेकिन हम देखते हैं कि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, तो कभी कभी राधा रानी को भी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, कभी कभी बलराम जी को भी दास रूप का पढ़ते, वो भी सबसे बड़े दास है, और वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शिव जी को भी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, तो इन सबको कैसे समझ में? भाव में सब भिन्न भिन्न है, सब अपने तरह से श्रेष्ठ है, अपने भाव में सब श्रेष्ठ है। जो गिरिराज का भाव है वो भी शुद्ध है, बहुत मधुर है। श्रीमती राधारानी का भाव एक प्रकार का है, बलराम का भाव दूसरा है, सब शुद्ध प्रेम पे आधारित है। परंतु हां, जहां तक वैष्णव हो, श्रीमती राधारानी की तरह कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो अंतरंगा शक्ति की मूर्तिमान स्वरूपिणी है, यह निश्चित है। जब वैष्णवानाम यथा शंभु शिवजी आदि के लिए कहा जाता है तो हमें जानना चाहिए कि बहुत बहुत महान है वो, इस भाव से ये कहा गया है। और कोई प्रश्न? हाँ, माइक ले आ दीजिए। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण। भगवान ने तो स्वयं को गोवर्धन के रूप में वहां पर रख दिया, तो आपका प्रश्न है कि यहां कहा गया है कि वो हरिदास वर्य है, और हम ये भी सुनते हैं और पढ़ते हैं कि वो स्वयं गोवर्धन भी कृष्ण ही हैं, तो एक विरोधाभास लगता है, ऐसा है ना? यही प्रश्न है। दोनों सही हैं, गोवर्धन कृष्ण हैं और कृष्ण के दास भी हैं, दोनों ही सही हैं, ऐसे भी आचार्यों ने कहा है। जब उनको भोग चढ़ाया जा रहा था अन्नकूट, तो उस समय श्री कृष्ण ने स्वयं साबित किया कि वो गोवर्धन से अभिन्न है। स्वयं उन्होंने एक ऐसा विशाल रूप धारण कर लिया और कहा अनियोर अनियोर, और चाहिए। तो ये प्रमाण है कि गोवर्धन और कृष्ण में अंतर नहीं है। और साथ साथ हम श्रीमद् भागवत में भी कई जगह पढ़ते हैं और आचार्यों की टीकाओं में भी पढ़ते हैं कि गोवर्धन हरिदास वर्य है, तो दोनों ही ठीक हैं। जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, साथ साथ वो कृष्ण के भक्त भी हैं, तो दोनों रूप से आप श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जा सकते हो कि ये कृष्ण है। और दूसरा भाव हो सकता है, कृष्ण है परंतु राधा रानी के भाव में आए हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त है, आप इस रूप में जा सकते हो, इस भाव को लेकर इस दृष्टि से आगे बढ़ सकते हो।
तो ये दूसरी दृष्टि है वो श्रेष्ठ है, उसे ज्यादा कृपा मिलेगी, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से अधिक कृपालु होते हैं। श्रीमती राधा रानी की कृपा आसानी से पाई जा सकती है। कृष्ण थोड़ा कुछ यहां वहां शर्त रख देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज, सब कितना कठिन बना देते हैं सब कुछ। परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पात्र अपात्र न विचार, कोई पात्रता अपात्रता का विचार नहीं करते, ज्यादा कृपालु है जब वो भक्त के रूप में आते हैं। ठीक है, गोवर्धन में छोटी सेवा किसी को हम घर में लाके उसका पूजा कर सकते हैं, नहीं करें तो अच्छा है। केवल केवल गुरु आदेश से ये किया जा सकता है, कम से कम गुरु की अनुमति से, गुरु की अनुमति हो तो कर सकते हैं, अन्यथा इसी अध्याय के 35वें श्लोक में ऐसा बताया गया है। हाँ, लोग करते हैं। हाँ, लोग करते हैं, अवश्य करते हैं, और करना तो जो कर जिनका ये भाग्य है करना, वो तो बहुत अच्छी बात है। गिरिराज शिला की उपासना तो होती है। कहने का जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि हमें अपने मन से जाकर गोवर्धन शिला नहीं लेनी चाहिए, और गोवर्धन शिला की उपासना गुरु के अनुमति के सिवाय नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ, एक प्रश्न माइक यहां दीजिए। तो हम भगवान की सेवा करते, महाशंकर की सेवा करते, शरण की सेवा करते, नीचे किचन में भी सेवा होती है, मेरे घर में गाय है, गाय की भी सेवा होती है, लेकिन जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं, पता नहीं हमारे अशुद्धता के कारण भगवान के डायरेक्ट संपर्क में आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि पूरा दिन हेवीनेस महसूस होता है। भगवान की सेवा तो उत्साहपूर्वक करते हैं, कभी ऐसा लगता नहीं कि भगवान का सेवा मतलब है अड़चन है, बहुत ही उत्साहपूर्वक करते हैं, लेकिन जिस दिन सेवा होती है भगवान की तो उसके बाद में पूरा शरीर में हेवीनेस आना महसूस होता है। तो ये हमारी अशुद्धता है। रोज सेवा करते हैं ना, रोज सेवा करते हैं, परंतु हफ्ते में 3-4 बार नहीं। देखिए, कभी कभी शरीर गोवर्धन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एक आदर्श है, क्योंकि हमारे पास ये शरीर है, क्या करें। तो शरीर कभी कभी कष्ट देता है, तो जैसा शरीर साथ देता है वैसे ही हम सेवा कर सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि शरीर एक सीमा है हमारे लिए, तो जितना शरीर साथ देता है उतना हमें करना चाहिए, और जब करते हैं तो बड़े उत्साह से करना चाहिए बस। और जब हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, अभी नहीं होगा सेवा, तो मत कीजिए। जब अभी किचन में हम हेवी सेवा करते हैं, बर्तन और मेरे पास गाय है, तो घर पे भी सेवा बहुत हेवी है, उस टाइम में कभी ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन भगवान की सेवा जिस दिन करते उस दिन थोड़ा ऐसा। भगवान की सेवा मतलब ऑल्टर में सेवा करें, सेवा भारी क्यों लगता है वो मुझे पता नहीं, अभी आपको क्यों भारी लगता है। सेवा के टाइम में भारी नहीं होता, लेकिन जब घर में जाते तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि क्यों हमें भारी लग रही है आपकी सेवा, आप वो भारी पर निकाल दीजिए और मुझे आनंद प्रदान कीजिए, ताकि आपकी सेवा में बड़े आनंद से कर सकूं। हमारी अशुद्धता के कारण हो सकते हैं, जो भी है उनसे प्रार्थना कीजिए, वो सब व्यवस्था कर देंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, प्रश्न हम पीछे। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम आपके अमृतमय वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्ण। तो ये प्रश्न है, आपने जो चार कारण बताए थे उसमें से पहला कारण आपने बताया गोवर्धन एज अ फर्स्ट क्लास सर्वेंट, ही नेवर टेक्स सेवा एज बर्डन, फिर भी हमारे निजी जीवन में कभी बाधा आती है, तो जब हम सेवा करते हैं तो वो थोड़ा मैकेनिकल हो जाता है, चाहे वो विग्रह सेवा हो या भक्तों की सेवा हो या जप हो या प्रीचिंग हो, एक प्रकार से हम उसमें से आनंद, मतलब आपने जैसे कहा गोवर्धन जी आनंद से उल्लासित हो रहे थे और सेवा करने, तो किस प्रकार से हम उस चेतना को विकसित और अच्छी तरह से कर सकते हैं जब व्यक्तिगत जीवन में बाधा आती है। गोवर्धन का स्मरण करके कि देखिए इनका उदाहरण कितना कष्ट, कितना प्रहार हो रहा था उनके शरीर के ऊपर, वज्रपात हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, फिर भी आनंद से कर रहे थे सेवा। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण बलराम का स्पर्श था। उसी प्रकार से हमें भी याद रखना है गोवर्धन का उदाहरण और श्री कृष्ण का स्पर्श जब होता है, अर्थात जब सेवा का अवसर होता है, जब हम कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं, तो हमारे अंदर फिर वो उत्साह का भाव निर्माण होगा। तो वह कृष्ण का स्पर्श होना चाहिए श्रवण कीर्तन के माध्यम से, और स्मरण भी करना चाहिए कि कैसे गोवर्धन ने सेवा की, फिर हमें प्रेरणा मिलेगी आनंद से सेवा करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अभी आपके कष्ट हो रहा होगा, अभी प्रसाद का समय हो गया है, तो हरे कृष्णा। एक प्रश्न था कि अगर इच्छा होने पे हम सेवा करते हैं अथॉरिटी के कहने पे, तो उसका फल स्वरूप क्या होता है, या वो अपराध मान सकते हैं उसको? मतलब आपको कोई कहता है कि आप ये सेवा करो और इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं होने पर भी हम सेवा करते हैं, करते हैं ना बस, ठीक कर लो फिर वो इच्छा भी ठीक हो जाएगी, सब करते करते सब ठीक हो जाएगा, नहीं वो भाव भी सही हो जाएगा। ये मन है ना, मन तकलीफ देता है ना, कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, इसलिए मन की परवाह नहीं करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।